अस्सलाम वालेकुम। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बेसिकली एक ऐसा लूप है जिसमें आदमी जो है वो स्टक हो जाता है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। ये नॉर्मली उन लोगों के साथ होता है जो एक ही किस्म की रूटीन लाइफ गुजार रहे होते हैं। डेली ऑफिस जाना या फिर डेली किसी भी एक काम पे जाना, वापस आना, खाना पीना सोना, फिर काम पे जाना। शुरू शुरू में शायद उनको ये चीज़ पसंद भी हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक़्त गुज़रने के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको पता भी नहीं चलेगा और कब वो जो है वो ओवर थिंकिंग का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी परेशानी में मुबतला होता है और उससे निकलने का उसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता और उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करता है और नेगेटिव चीज़ों को सोचते 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 वो एक लूप में चला जाता है और वो इरेशनल थॉट जब उसके जहन में चलना शुरू हो जाती हैं तो वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। या इंसान अपनी ज़िंदगी में फारग हो, उसके पास कोई काम ना हो करने के लिए, कोई प्रॉपर मकसद ना हो ज़िंदगी का, फारग वक़्त उसका जो है वो चल रहा हो, तो ऐसी सूरत में भी एक इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकता है। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि ओवर थिंकिंग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और इस तरह की जो दूसरे मूड डिसऑर्डर्स हैं उसका बायस बनता है तो ये गलत नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में एक इंसान जब ओवर थिंकिंग में चला गया है, काफ़ी टाइम से वो उस लूप में फंस चुका है, तो उस चीज़ से निकलने के लिए, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उस इंसान को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात देखें, ओवर थिंकिंग का मतलब ही ये है कि ज़्यादा सोचना और एक लूप में फंस जाना। तो इससे निकलने का तरीका कार क्या है कि इस लूप को ब्रेक किया जाए, इस लूप को तोड़ा जाए, इसको रोका जाए, डिस्ट्रैक्ट किया जाए, कुछ और तरफ अपनी थॉट को लेके जाया जाए। तो इस तरह भी ओवर थिंकिंग से निकला जा सकता है। मिसाल के तौर पे एक बात याद रखें, हमारा जो जहन है वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। अगर वो किसी एक चीज़ के बारे में सोच रहा है तो वो उसी चीज़ के बारे में ही सोचता रहेगा। अगर वो किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करेगा तो वो दूसरी चीज़ के बारे में ही सोच रहा होगा, उस टाइम पे वो पहली चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा होगा। चले मैं आपको एक टेस्ट करवाता हूँ अभी ही, आप लोग भी साथ में ट्राई करें। आंखें बंद करें, जब आपने आंखें बंद कर ली अब आपने करना क्या है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अपनी वालदा के बारे में सोचें। आंखें बंद रखें, वालदा के बारे में सोचें, उनका नाम क्या है, वो कहाँ पे पैदा हुई, उनके गांव का नाम क्या है,
उनको किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है, वो आपको किस नाम से बुलाती हैं, और उनके बारे में मज़ीद डिटेल सोचें, मज़ीद और सोचें। चलें जी, अब आप ऐसा करें, अब हम बात करते हैं आपके वालिद साहब की। आंखें बंद रखें और ये बताएं उनका नाम क्या है, और सोचें कहाँ पैदा हुए, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनको खाने में क्या पसंद है, वो क्या काम करते हैं, वो आपको कैसे बुलाते हैं, उनके कितने भाई हैं, वो क्या काम करते हैं, और मज़ीद अपने वाले साहब के बारे में सोचें। दैट्स इट। आपसे जो मैंने अभी मशक करवाई या जो मैंने एक्सरसाइज करवाई, आपने एक बात नोट की होगी, जब आप अपनी वालदा के बारे में सोच रहे थे तो आपके ज़हन में कोई और चीज़ें नहीं आ रही थी, फोकस वालदा की इन्फॉर्मेशन पे था। वो एक डोर खुला क्वेश्चन पे, एक पे, फिर दूसरा खुला, फिर तीसरा खुला, फिर चौथा खुला। आपके ज़हन के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी वालदा के बारे में स्टोर थी, उसके दरवाज़े ओपन होते गए, 1, 2, 3, और आप उसके अंदर नीचे नीचे मज़ीद डेप्थ में जाते रहे। लेकिन जब मैंने कहा कि आप अपने वाले साहब के बारे में सोचें, तो आप उन सब दरवाज़े से एक ही सेकंड के अंदर बाहर निकले और दूसरा दरवाज़ा वाले साहब वाली जो इन्फॉर्मेशन का आपके माइंड के अंदर स्टोर है, उसको आपने ओपन किया, और आसा 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 आप उसके अंदर जाते गए और मज़ीद उसको डिग किया, खोदा, एक्सप्लोर किया, तो आपके माइंड ने उस बारे में इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दी। तो ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि जब आप एक चीज़ के बारे में नेगेटिवली सोच रहे होते हैं, तो वो उसमें मज़ीद इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें को डिस्ट्रैक्ट करने का तरीक़ाकार क्या है। मिसाल के तौर पे आप इसको ब्रेक करने के लिए, इस रास्ते से बाहर निकलने के लिए, इस लूप से बाहर निकलने के लिए, इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन को लेके आएँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया, हमारा जहन एक टाइम पे एक काम कर सकता है। जैसे वालदा की इन्फॉर्मेशन सोच सकता था, या वालद साहब की इन्फॉर्मेशन के ऊपर जब गया तो वालदा को भूल गया, तो वालदा के टाइम पे किसी और का याद नहीं था उसको, तो यूँ वो बंदा एक टाइम पे एक दफ़ा एक काम सोच सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, किसी टूर पे निकल जाएं, जब एक लूप में फंस जाएं तो किसी टूर पे निकल जाएं। जब आप किसी टूर पे जाएंगे, नई जगह को देखेंगे, नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे, तो आपका जहन नई चीज़ों पे फोकस करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना शुरू करेगा अपने जहन के अंदर। जब नई इन्फॉर्मेशन को अपने जहन के अंदर स्टोर करना शुरू करेगा, तो जो पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी साइड पे चली जाएगी, वो उसका जो है वो थोड़ा धुंधला होना शुरू हो जाएगा, शेड। तो आप अब न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, उसको रिकॉल कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल आएंगे। नई गैदरिंग में जाएं, अपने लूप को ब्रेक करें, मेडिटेशन स्टार्ट करें, ठीक है, अपनी डाइट, डाइट से भी जो है मूड डिसऑर्डर जो है वो हो जाते हैं, और नहीं तो किसी से हेल्प ले लें, किसी माहिर नफ्सियात से आप हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था ओवर थिंकिंग का। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको दोबारा किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।